हेलो नमस्कार जी, आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन नॉलेज टी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां, हरियाणा के मुख्य समाचार देखेंगे जिसमें हरियाणा के बीपीएल राशन कार्ड बनाए गए हाल ही में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से। तो भाई आपको बता दें वे कटने शुरू हो गए हैं। 10 लाख बीपीएल परिवार के जो राशन कार्ड है वो बनाते ही काट लिए गए हैं, बीपीएल श्रेणी से कर दिए गए हैं बाहर। वहीं हरियाणा का जो सीईटी का रिजल्ट है वो तैयार कर लिया गया है, उसकी घोषणा कर दी गई है। वहीं आपको बता दें हरियाणा में टीचर भर्ती, 16,000 पोस्टों पर हरियाणा में टीचर भर्ती आएगी। पूरी खबर देखेंगे विस्तार से, तीनों खबरें। वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और अपना जिला जरूर कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले आपको बता दें हरियाणा में छात्रों के लिए आरपीएस में छात्रवृत्ति परीक्षा 1 जनवरी को होगी। अगर आप हरियाणा में आरपीएस ग्रुप यानी कि राव पब्लिक, यहाँ पे राव प्रहलाद सिंह स्कूल, यहाँ पे इसमें पढ़ाना चाहते हैं तो कक्षा 3 से 11वीं तक के छात्रों को यहाँ पे आप इस परीक्षा का आयोजन में जरूर बैठाइएगा। आपका जो अगर बच्चा सफलता प्राप्त कर लेता है तो यहाँ पे निःशुल्क पढ़ाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें खाली पदों को यहां पे भरने के लिए शिक्षा मंत्री कौपाल गुर्जर ने बड़ी घोषणा की है। पीजीटी भर्ती प्रक्रिया जारी है, टीजीटी की होगी जल्द भर्ती। प्रिंसिपल के 571 पद खाली है हरियाणा में। जी हां, आपको बता दें हरियाणा सरकार ने टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के तीनों पदों को मिलाकर के तकरीबन 16,000 पदों पर हरियाणा में भर्ती आने वाली है। वहीं मैं आपको बता दूँ यहाँ पे देखिएगा हरियाणा में 10 लाख परिवार गरीबी सूची से कर दिए गए हैं बाहर। जी हाँ, उनकी परिवार पहचान पत्र में पहले तो इनकम सही दिखा रहे थे, बाद में कुछ दिक्कत होने के बाद वे जो सभी परिवार हैं वे अब बीपीएल से बाहर कर दिए गए हैं। वहीं मैं आपको बता दूँ अगर परिवार पहचान पत्र में आय की त्रुटियाँ है, अगर आपकी आय ज़्यादा है तो आप एडीसी से आप अपनी आय सही करवा सकते हैं। जी हाँ, ये मनोहर लाल खट्टर ने विधायकों से कहा है कि परिवार पहचान पत्र में आय स्थापित से संबंधित यदि कोई गड़बड़ी हो तो आप अपने जिला उपायुक्त के पास जाकर त्रुटि को ठीक करवा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि परिवार पहचान पत्र में आय स्थापित करने के आधार पर बीपीएल सूची में 9 लाख लोगों का नाम काटा गया है और 12 लाख नए लोगों का नाम जोड़ा भी गया है। और मैं एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, हरियाणा सीईटी ग्रुप सी भर्ती के लिए जो कि 5 और 6 नवंबर को हरियाणा में सीईटी की परीक्षा की गई थी, उसका जो रिजल्ट है वो तैयार कर लिया गया है। जी हाँ, 30 दिसंबर को आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। बड़ी इन्फॉर्मेशन थी, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान ग्रह स्वीक दिन शुभ रहे।